स्थान, फिर सामने से बोलेंगे जिंदाबाद। टाइम्स पंजाब के शो जनता की कचहरी में सारे पंजाबी का वार्म वार्म वेलकम। इंडिया के सबसे बड़े इलेक्शंस का हॉटेस्ट मंच चल रहा है एंड वी आर हियर इन गुरदासपुर टू इंट्रोड्यूस यू टू दी पुत्र ऑफ पंजाब एज वेल एज लेजेंडरी एक्टर ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस्टर सनी देओल। उन्होंने अभी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और वो अभी ही इज गोइंग टू फाइट इलेक्शंस विद लोकसभा फॉर लोकसभा सीट विद बीजेपी इन 2019। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उनसे मिलते हैं और जानते हैं पॉलिटिकल लाइन ने उन्हें कैसे इतना अट्रैक्ट किया कि उन्होंने पॉलिटिक्स लाइन ज्वाइन की। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू जी। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन फाइन। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर माने जाते हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के, 100 से अराउंड सुपरहिट आपने मूवीज दी हैं, तो पॉलिटिकल लाइन में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये नहीं हो रहा, लोग जनता की बातें नहीं सुन रहे, तो हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते थे। तो अभी जब वक्त मिला कि जब मेरे बेटे की फिल्म शूटिंग मेरी वर्चुअली ख़त्म हो चुकी है, तो उस दौरान ये बातें फिर से आई कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तो फिर मैंने सोचा कि बिकॉज अंदर मेरा दिल तो हमेशा कहता था कि देश के लिए कुछ करूँ, तो यहाँ मुझे एक मौका मिल गया और मुझे मोदी जी पर बहुत विश्वास है, तो मैं चाहता भी हूँ कि जैसे उन्होंने पिछले 5 साल इतना अच्छा काम किया है, मैं चाहता हूँ दोबारा वही जीतें। और मैं सोचा शायद मैं साथ में जुड़ जाऊँ और वो मुझे चाह भी रहे हैं, तो मैं उनके लिए उनका एक सहारा बन जाऊँगा। सर जैसे हम जानते हैं कि जो आपके फादर हैं धर्मेंद्र जी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काफ़ी अटैच थे, तो क्या उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया या उनकी तरफ से आपको मोटिवेशन मिली कि आपने पॉलिटिकल लाइन में आना है? डेफिनेटली, क्योंकि हम वी आर अ क्लोज नेट फैमिली, हम सब साथ में हैं, जो भी पापा पसंद करते हैं वो भी हमारी ऑटोमेटिकली पसंद बन जाती है, तो और हम एक दूसरे के साथ वी रब ऑन ईच अदर। तो पापा ने अटल जी के साथ जुड़े थे और उसी तरह से अब मैं मोदी जी के साथ जुड़ा हूँ। तो सर गुरदासपुर में आप इतने टाइम से जैसे पंजाब में आए हुए हैं, तो कैसा टाइम आपका पीरियड यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको अपनी कहते हैं ना मतलब धरती पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ मैं जब ढेर सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं जर्नलिस्ट, तब मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, लेकिन तुरंत जैसे गाड़ी में बैठ के जनता के पास जाता हूँ तो पूरी थकान दूर हो जाती है, कि लोगों का जो प्यार है उनकी आंखों में जब मैं देखता हूँ, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखता हूँ, तो लगता है कि ये प्यार जो मिल रहा है मुझे, ये मेरे काम की वजह से है, और मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर जो मेरे में होप है वो मैं होप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, एंड वो मुझे और मजबूत और हौसला देते हैं। सर जैसे हम आपकी मूवीज देखते थे, तो जब आप मतलब डायलॉग्स अपने डिलीवर करते थे तो वो थोड़े सॉफ्ट होते थे, बट एक ऑथेंटिक वॉइस होती थी, एक लाउड वॉइस में आप अपनी एक्शन मूवीज करते थे, तो पॉलिटिकल लाइन में भी क्या आपको सेम चीज हो रही है आपके साथ कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं जो यहाँ के लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो उनके सामने भी आप ऐसी ऑथेंटिक वॉइस रखते हैं ड्यूरिंग योर लेक्चर टाइम? हाँ नहीं, वहाँ पर जब भी मैं जाता हूँ तो वो ज्यादा वो जानना चाहते हैं कि कुछ डायलॉग बोलो या कुछ इस तरह की बात करो, ज़रूर सुनना चाहते हैं, पर मैं उन बातों को फिर मेरे डायलॉग्स को मैं वहाँ पर मोड़ कर ले आता हूँ जो उनके लिए उनके साथ लागू होता है। तो सर आप वहाँ पे जैसे अपने अपना काफ़ी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आके भी क्या आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं अपने वर्कआउट्स को एंड ऑल? हाँ हाँ मैं देता हूँ, एक आधा दिन कभी छूट जाता है, लेकिन मैं अक्सर सुबह उठकर अपना वर्कआउट करता हूँ। एक चीज हमें बताइए, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, उनके बारे में कई तरह के र्यूमर्स ऑपोजिशन पार्टीज फैलाती हैं कि कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, तो आपकी भी क्या ये थिंकिंग है, कहीं पे आके आप भी सोच रखते हैं? देखिए कितने एजुकेटेड लोग भी होते हैं, लेकिन उनके विचार वो कंट्री की बेनिफिट के लिए तरफ तो जाते नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके what kind of a common sense you have, that's the most important thing, समझना। आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि कितने चेंजेस आए हैं इंडिया में आफ्टर मिस्टर मोदी? ढेर सारी चीजें हुई हैं,
जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम्स तो होती हैं, कितनी चीजों में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दैट पुट्स अ डिसिप्लिन इनटू इट जो लोग नहीं समझते, और ज्यादा करके तकलीफें उनको होती हैं जिनके पास इलीगल मनी होता है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वो कैसे भी फिर बोल देंगे गरीबों को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब ये नहीं बोल रहे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, गरीबों के बेचारों पर उनके ऊपर डाल देंगे, और गरीबों से बात करोगे, गरीब मेरा मतलब वो नहीं कि जिनकी इनकम कमती हो, उनसे बात करोगे तो उनके अपने डिफरेंट विचार होते हैं, वो चाहते हैं चलो अच्छा हमारा खाता खुल रहा है, हमारे लिए और बेहतर हो रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे के नाम पर लेके थोक देते हैं और ये नहीं कहते कि हमें तकलीफ हो रही है। पंजाब के बारे में आपने सुना ही होगा, यहाँ की यूथ बहुत ज्यादा नशे की तरफ प्रमोट हो रही है, अगर आप इस उसमें गुरदासपुर से अपनी सीट विन करते हैं तो आप नशे को रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाएंगे या क्या आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यहाँ के यूथ को? देखिए यूथ मेरे साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहा है बिकॉज मेरा सिनेमा जो फिल्में मैंने की है हैज एनकरेज देम टू पिक अप द पाथ व्हिच दे फील दे शुड, तो मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ बहुत है और मैं उसी कनेक्टिविटी को लेकर मैं उनके साथ बैठूंगा, समझूंगा और फिर इसका कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिनको इसकी लत लग जाती है तो वो एक उसके लिए एक बीमारी बन जाती है, तो उसे उस तरह से देखना होगा। फिर यूथ नीड्स लॉट ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ विच कीप्स देम एक्टिवेटेड ऑल द टाइम एंड पॉजिटिव एनर्जी आती है उसकी वजह से, सो आई वांट टू सी इनटू दैट। देन डेफिनेटली एजुकेशन हैज़ टू बी गुड एंड देयर हैज़ टू बी अ ग्रेट मेडिकल सेंटर ऑल्सो वेयर विच आई वांट टू ब्रिंग इन, सो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में जैसे वक्त आएगा मैं आऊँगा यहाँ पर तो सब चीज़ें समझ के करूँगा, अब मैं बेवराक बातें कर लूँ तो मुझे सही नहीं होगा। लास्ट में हम चाहते हैं कि यहाँ के पंजाबी से आप अपील कीजिए, अब इलेक्शंस आने वाले हैं कमिंग 19th को, तो आप यहाँ के लोगों को क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग जो वोट डालने नहीं जाते बट उनको क्रिटिसिज्म करने में सबसे पहले वो टॉप लिस्ट पे होते हैं, तो आप उनको एक मैसेज दीजिए कि वो वोट डालने जरूर जाएं। हाँ ये बहुत जरूरी है, अगर आपको आप हमेशा कहते हैं पॉलिटिशियंस ऐसे वैसे होते हैं तो हम वोट नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लार्ज नंबर में सब लोग बाहर आएँ और वोट डालें ताकि और मेरे तरह के लोग, मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में उतरने का कदम रखें, और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा चेंज भी आएगा और सबको समझ में भी आएगा कि जैसे मैं तो यहाँ आया हूँ नॉट बिकॉज कोई मेरे को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ सेवा करने, और तो मुझे आप सहारा दोगे, मुझे जिताओगे तो मेरे तरह के और ढेर सारे लोग भी पॉलिटिक्स में उतरेंगे। सर जाते जाते हम जरूर चाहते हैं एक आपका जो मूवी का डायलॉग था हिंदुस्तान जिंदा था है और रहेगा, वो अपनी लाउड वॉइस में, ऑथेंटिक वॉइस में आप हमारे चैनल को जरूर सुनाइए ताकि पूरे हिंदुस्तानियों तक आपकी ये आवाज पहुंच सके। ये बोल बोल कर मैं थक चुका हूँ लेकिन फिर सब बोलते हैं डायलॉग्स ही बोलता रहता है ये कहना करना जरूरी है। यस सर डेफिनेटली हिंदुस्तान सामने से बोलेंगे जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद है हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। तो आपने देखा यह थे हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर सनी देओल जी जो पॉलिटिकल लाइन में उतर चुके हैं और गुरदासपुर से उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि प्लीज आप घर में मत बैठिए, 19th को वोट डालने जरूर जाइए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ वंडरफुल मोमेंट्स। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।